हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं वो एक्सप्लेन कराएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कराते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपको पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? उन्होंने बताया था, जो हमारे साइंटिस्ट थे मेंडेल, उन्होंने कहा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या होता है, वन करेक्टर लेना होता है। कितना करेक्टर लेना होता है? वन करेक्टर, ठीक है? कितने करेक्टर लेना होता है? वन करेक्टर लेना होता है। और इसमें इन्होंने करेक्टर लिया था हाइट का, ठीक है? इसका करेक्टर लिया था, हाइट का करेक्टर लिया था। तो इन्होंने क्या किया, एक लंबे पौधे में और एक छोटे पौधे में क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद इन्हें जो फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट मिले उसमें इन्होंने देखा कि सभी प्लांट टाल प्लांट थे, ठीक है? फिर इन्होंने क्या किया कि जो F1 जनरेशन थी उसके दो प्लांट लिए और उसके बीच में इन्होंने क्रॉस कराना स्टार्ट करा दिया। और जब क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद जो F2 जनरेशन मिली, F2 जनरेशन में क्या देखा कि उसमें कुछ लंबे पौधे दिखाई दिए और कुछ छोटे पौधे दिखाई दिए, जिसमें रेशियो निकल के आया उनका 3:1। तो हम कैसे कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमारे पास है टाल प्लांट, इधर हमारा आता है ड्वार्फ प्लांट, ठीक है? जो हमारे टाल प्लांट के फैक्टर्स हैं, ये हमारे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी हैं, ये हमारे स्मॉल टी और स्मॉल टी हैं, जैसा कि मैंने आपको नोट्स में भी एक्सप्लेन किया था। अब हम इनका क्रॉस कराएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे टाल हैं और जो हमारे ड्वार्फ हैं, ये हमारे क्या हैं, पेरेंट प्लांट हैं। क्या हैं? हमारे पेरेंट प्लांट हैं, ठीक है? ये हमारे क्या हैं, पेरेंट प्लांट के फैक्टर्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी यानी कि कैपिटल टी जो है वो हमारा टाल प्लांट है, स्मॉल टी वाले जो फैक्टर है वो हमारे ड्वार्फ प्लांट हैं। अब हमें क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने का तरीका है, सबसे पहले हम इस वाले टी का क्रॉस जो है इस वाले टी से कराते हैं, ठीक है? और क्रॉस कराने के बाद हमारे जो फैक्टर बने, यानी कि जो हमारा प्लांट बना, उसमें क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला टी लेते हैं और उसे हम दूसरे वाले टी से मिला देते हैं, ये हमारा दूसरा प्लांट हो गया। ये जरूरी नहीं है कि हम इस वाले टी को पहले लेते हैं या इस वाले टी को पहले लेते हैं, आप कोई सा भी टी का क्रॉस किसी भी टी से पहले आपकी अपनी इच्छा से आप करा सकते हैं। अब हमारा ये पहला जो टी है ये हमारे इससे मिला और हमारे फैक्टर बने कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम इसी टी को दूसरे वाले टी से जोड़ेंगे, ठीक है? अब हमारा दूसरे वाला टी हो गया ये, और यहाँ पे जुड़ के ये क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके बाद जो हमारा दूसरे वाला टी है उसको हमने, जो हमारा बचा हुआ टी था उसके साथ हमने जोड़ दिया, और ये हमारे क्या बन गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आई है, यानी कि ये हमारी F1 जनरेशन कहलाती है, ठीक है? ये हमारी क्या कहलाती है, F1 जनरेशन, ठीक है? और F1 जनरेशन में हमने क्या देखा कि ऑल टाल प्लांट। इसके बाद क्या करेंगे, हमारे ये जो F1 जनरेशन के जो प्लांट बने हैं इनके फैक्टर्स जो हैं, यानी कि इनके अगर जीनोटाइप अगर हम देखें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है? और फिनोटाइप इनका क्या होता है, फिनोटाइप होता है इनका सभी का ऑल टाल प्लांट, यानी कि जहां पर भी कैपिटल लेटर वाला फैक्टर जहां पर भी आपको दिख जाता है तो उसका मतलब है कि वो वही करेक्टर शो करता है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि ये सभी क्या है आपके टाल प्लांट हैं। जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट करेक्टर होता है, जो स्मॉल टी है वो आपका रेसेसिव करेक्टर होता है। आगे इन्होंने बताया कि हमारे जो F1 जनरेशन के इन्होंने फिर से दो प्लांट लिए, F1 जनरेशन के दो प्लांट ये हमारे हो गए जिनके फैक्टर क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये हमारा टाल प्लांट हुआ और ये भी हमारा क्या हुआ, टाल प्लांट हुआ। अब हम क्रॉस कराएंगे, जिस तरीके से क्रॉस हमने इनका कराया है ठीक उसी तरीके से क्रॉस हमें इनका कराना होगा। कैपिटल टी को एक बार हमने इस वाले टी के साथ जोड़ा, ये हमारा बन गया कैपिटल टी कैपिटल टी। अब दूसरे वाले टी को हमने दूसरे वाले टी के साथ जोड़ा, ये हमारा बन गया स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसके बाद जो हमारा कैपिटल टी है उस टी को हमने स्मॉल टी के साथ जोड़ दिया, ये बना हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब
हमारा स्मॉल टी दूसरे वाले टी के साथ जुड़ जाता है, और हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा कैपिटल लेटर को ही पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या आगे कैपिटल टी और स्मॉल टी ये फैक्टर बने हैं। ये हमारा टाल प्लांट हुआ, ये भी हमारा टाल प्लांट हुआ। जहां पर भी कैपिटल लेटर है वहां उसका मतलब है कि ये टाल है। यहां पर ये क्या हुआ हमारा, ये ड्वार्फ प्लांट हुआ। ठीक है, तो ये हमारे रेशियो इनका कितना निकल के, यानी कि तीन हमारे लंबे पौधे हैं और एक हमारा छोटा पौधा है, यानी कि 3:1। और ये हमारा हो गया मोनो हाइब्रिड रेशियो। ठीक है, और इसमें अगर हम देखते हैं एक जीनोटाइप तो हमारा आता है कैपिटल टी वाला, ये कितना है 1, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं 2 हैं। ये तो एक हुआ और ये वाले 2 हुए, और स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला हमारा 1 हो गया। तो हमारा ये रेशो ये भी निकल के आ सकता है, कैपिटल टी रेशो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशो स्मॉल टी, यानी कि 1:2:1। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आगे हम बताएंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे किया जाता है। तो जिस तरीके से हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को किया है, ठीक उसी तरीके से हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि इसमें हमने 2 करेक्टर लिए हैं। ठीक है, मोनो मतलब 1 करेक्टर और डाई मतलब 2 करेक्टर। ठीक है, अब जो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो 1 करेक्टर लिया था वो हाइट का लिया था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने कितने करेक्टर लिए, 2 करेक्टर। कितने करेक्टर हुए, 2 करेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारे 2 करेक्टर। इनमें फर्स्ट एक था हमारा कलर का, ठीक है, और एक हमारा था शेप का। ठीक है, एक कलर में, एक में हमारा था ग्रीन कलर, एक में हमारा था येलो कलर। शेप में एक हमारी राउंड शेप थी, ठीक है, और एक हमारी रिंकल्ड शेप थी। आगे समझ। अब जो हमारे ग्रीन वाले थे, ग्रीन वालों को हम स्मॉल आर और स्मॉल, ये ग्रीन वाला जो है ये हम करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई राउंड कैपिटल आर, और ये हमारा हो गया स्मॉल आर, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल वाई। अब इनके जो फैक्टर बने हमारे, यानी कि राउंड येलो शीड थे एक हमारे, जिसके फैक्टर थे कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक रिंकल्ड ग्रीन शीड। ठीक है, इसका था स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने के गैमेट्स को अलग अलग करना है। ठीक है, एक आर ये वाई वाई, दोनों के अलग अलग। तो हमारा ये बन गया हमारा आर वाई। ठीक है, और एक हमारा ये बन गया आर वाई। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले का बनाएंगे। अभी हमने फर्स्ट जनरेशन इनकी नहीं बनाई है। ठीक है, पहले हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। आपको पता है फैक्टर्स जो होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं। अब हम इनका क्रॉस कराएंगे। हमारे जो पेरेंटल जो गैमेट्स थे, तो वो हमारे क्या थे, ये थे पेरेंट फिनोटाइप लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, राउंड येलो। जहां पर कैपिटल आर है वो राउंड येलो है, जहां पर स्मॉल आर और वाई है वो रिंकल्ड ग्रीन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब सबसे पहले क्रॉस कराने का तरीका हमारा वही है, पहले इस वाले को हम इससे जोड़ेंगे। ठीक, अब हमेशा ध्यान रखना जो आर आर होगा उसे एक जगह लिखोगे, कैपिटल लेटर को पहले लिखोगे, स्मॉल लेटर को बाद में लिखोगे। ठीक है, आगे आ जाइए, दूसरे वाले को इससे जोड़ दीजिए, फिर
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इस वाले को हमने जोड़ा दूसरे वाले से, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इस वाले को हम जोड़ेंगे इस वाले से। ध्यान रखना, क्रॉस कराने का जो तरीका है वो आपका बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे जो हमारी F1 जनरेशन निकल के आई है, हमारी कौन सी जनरेशन हुई, F1 जनरेशन, ठीक है। और जो हमारी F1 जनरेशन है इनमें सभी आप देख रहे होंगे कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, सभी में कैपिटल R और कैपिटल Y दिया हुआ है। और जो हमारे कैपिटल R और कैपिटल Y है उसका मतलब है अगर कैपिटल R होगा तो राउंड होगा, कैपिटल Y होगा तो येल्लो होगा। तो यही ये हमारे सारे ही यानी कि ऑल प्लांट राउंड येलो सीड, ठीक है, ये हमारे ये हो चुके। अब हम क्या करेंगे, अब हम F2 जनरेशन का करेंगे। F2 जनरेशन के करने के लिए पहले हमें F1 जनरेशन के दो प्लांट लेने होंगे, उनके इसी तरीके से हमें गैमेट्स बनाने होंगे, तब हम उनका क्रॉस कराएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने F2 जो F1 जनरेशन थी हमारी, F1 जनरेशन के दो प्लांट ले लिए। अब इनके फैक्टर बनाएंगे, सबसे पहला कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y, पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। फैक्टर्स कैसे होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से होंगे, एक हमारा ये हो गया, दो प्लांट लेंगे। अभी हमने ये सिर्फ एक प्लांट लिया है, एक प्लांट यहाँ पे जगह नहीं है तो इसे हम नीचे कर लेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। एक प्लांट का हमारा ये हो गया, एक प्लांट का हम यहाँ पे फिर से इसी तरीके से करेंगे। ये दोनों हम साइड साइड में कर सकते हैं, जगह नहीं थी तो इसलिए नीचे हो गया, ठीक है। कैपिटल आर वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्रॉस कराने का तरीका आप हमेशा वही रखेंगे जो आप रखते आए हैं, ठीक है। और ये हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हमारे फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन यानी कि हमारे F1 जनरेशन के प्लांट के गैमेट्स हमने बना लिए हैं, अब हम क्या करेंगे F2 जनरेशन को बनाएंगे। F2 जनरेशन बनाने के लिए हमें एक चेकर बोर्ड बनाना होगा, चेकर बोर्ड बनाने के लिए क्योंकि हमें नहीं यहाँ पे बहुत सारे गैमेट्स बनेंगे जिससे हम कन्फ्यूज ना हो जाएं, तो इसलिए हम चेकर बोर्ड में इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक चेकर बोर्ड बनाएंगे जिसमें चार लाइनें होंगी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा एक चेकर बोर्ड बना हुआ है, चार लाइनें हमने बना ली हैं क्योंकि हमारे जो गैमेट्स हैं वो चार चार हैं, ये बना हुआ है। एक हमारा ये बन गया, एक हमारा ये बना और एक हमारा ये बन गया, ठीक है। अब जिस तरीके एक प्लांट के गैमेट्स आप साइड में लिखोगे, एक प्लांट्स के गैमेट्स आप ऊपर लिखोगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले गैमेट्स लिख देते हैं यहां पर, और जिस सिक्वेंस में आप ऊपर लिखोगे उसी सिक्वेंस में आपको ये नीचे लिखने होंगे, ठीक है। अब जैसे आपने ऐसे लिखा है ऐसे ही आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम इनका क्रॉस कराएंगे, ये वाला जो नंबर है ये सबके साथ मल्टीप्लाई होके आपका आ जाएगा। आर आर को एक जगह लिखोगे, वाई वाई को एक जगह लिखोगे, जोड़ जोड़ के हमने लिख दिए। अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई समझ आ रहा है। अब ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये हमारे बन गए, ठीक है। ध्यान रखना जहां पर भी कैपिटल लेटर है वहां पर उसका मतलब वो वही करेक्टर शो करेगा, ठीक है। अगर
कैपिटल लेटर वहां पर नहीं है तो उसका मतलब हो जाएगा फिर आपका वो वहां पर वो करेक्टर नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कैपिटल लेटर का ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पर कैपिटल लेटर होगा वहीं पर वही करेक्टर शो होगा। यही चीज मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि बच्चे फिर गलत करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमारा स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अभी हमारा चेकरबोर्ड तैयार हो गया है, हमें रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी कि राउंड येलो, ठीक है। राउंड येलो कैपिटल है दोनों। यहां पर भी राउंड येलो हो जाएगा, यहां पर भी राउंड येलो हो जाएगा, यहां पर भी राउंड येलो हो जाएगा, यहां पर राउंड येलो नहीं होगा। यहां क्यों नहीं, क्योंकि स्मॉल आर रिनकेल्ड का था, स्मॉल वाई ग्रीन का था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिनकेल्ड ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये, यहां पर राउंड आर दिया हुआ है यानी कि राउंड होगा, राउंड ग्रीन हो जाएगा, राउंड ग्रीन। रिनकेल्ड स्मॉल आर है कैपिटल वाई नहीं है, तो इसका मतलब फिर दूसरी शेप होगी यानी कि रिनकेल्ड होगी। कैपिटल वाई दिया हुआ है यानी कि येल्लो होगा, ठीक है। राउंड आर है कैपिटल, वाई भी कैपिटल है, राउंड येल्लो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन हो जाएगा। स्मॉल वाई दिया हुआ है, इसमें भी राउंड ग्रीन हो जाएगा आपका, राउंड येलो हो जाएगा, ठीक है। रिनकेल्ड येलो, राउंड येलो, रिनकेल्ड येलो। अब हमको ये क्या करना है, काउंट करनी है। सबसे पहले हम राउंड येलो को देखते हैं कि कितने हैं हमारे। राउंड येलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने आए हमारे ये राउंड येलो, 9। अब हम देखेंगे राउंड ग्रीन को, राउंड ग्रीन कितने हैं हमारे। राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन 1, 2, 3, ठीक है। राउंड ग्रीन कितने हुए हमारे, 3। अब हम देखेंगे रिनकेल्ड येलो को, रिनकेल्ड येलो 1, 2, 3। अब हम देखेंगे रिनकेल्ड ग्रीन को, यानी कि हमने पहले ही बताया था डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 टाइप्स के प्लांट हमें मिलते हैं F2 जनरेशन में, ठीक है। रिनकेल्ड ग्रीन, रिनकेल्ड ग्रीन कितने हैं हमारे, 1, सिर्फ 1। अब तो इसका रेशियो जो आया हमारा 9:3:3:1, ये हमारा डाई हाइब्रिड रेशियो है, डाई हाइब्रिड रेशियो। तो यहां पर जो है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो चुका है। ओके बच्चों, अगर कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई है तो वो आप मैसेज में डाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच।